हेलो फ्रेंड्स, न्यू डे स्टार्टेड और आज भी अलार्म बज गया था सुबह 5:30 बजे, क्योंकि मुझे रेडी करना था नीर की स्प्राउट्स मेकिंग एक्टिविटी का सामान। मूंग साबुत दाल के मैंने 2 दिन पहले स्प्राउट्स बनने के लिए रख दिए थे, जो कि बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे, और बस उसको मैंने रख दिया था बॉयल करने के लिए। ये सारा सामान बॉइल्ड मिक्स्ड स्प्राउट्स, ये स्प्राउट्स हो गई, फाइनली चॉप्ड कैरेट, कैरेट नहीं था, कैरेट नहीं था, और पनीर था। हाँ पनीर ये रहा, देख लो कुकुम्बर, और ये भी है कुकुम्बर, सॉल्ट, चाट मसाला, लेमन जूस, इसमें है जूस, लेमन जूस में मैंने अच्छे से डिब्बी बंद कर दिया। ठीक है, अब खुलेगा नहीं? खुलेगा मतलब खुल ही जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं खुलेगा, आपको डालने के लिए खुलेगा। डिस्पोजेबल प्लेट एंड स्पून, प्लेट स्पून, ये नैपकिन, नैपकिन एंड टेबल, टेबल क्लॉथ ही है। पहले शायद आपको टेबल पे ये बिछाने को बोलेंगे, उसके बाद प्लेट रखवाएंगे, और फिर सारी ये सैलड टाइप स्प्राउट सैलड बनवाएंगे। ठीक है, नीर को सारे इंग्रेडिएंट समझा के मैंने स्टार्ट कर दी थी उसकी टिफ़िन की प्रिपरेशन, जिसमें मैंने सोचा था बनाने का स्प्राउट्स वाली इडली। क्विकली इडली बनाने के लिए मैंने दही में थोड़ी सूजी मिला दी थी, और साथ ही में इडली को सॉफ्ट करने के लिए डाल दिया था उसके अंदर थोड़ा सा इनो। स्प्राउट्स तो ऑलरेडी रेडी थे, तो बस फटाफट से इडली के बैटर को मैंने डाला इडली स्टैंड में, और कम से कम 10 मिनट लगे थे इडली को बनने में। बिल्कुल बढ़िया सी सॉफ्ट इडली हो गई थी रेडी, और इसको मैंने कट कर दिया था छोटे पीसेस में। थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाना था, तो मैंने छोटी कढ़ाई में ले लिया था सरसों का तेल, और उसके अंदर लगा दिया था मैंने थोड़ा सा सरसों दाना, और साथ ही में हींग का तड़का, और फिर उसमें डाल दिए थे चॉप्ड टोमेटो। मसाले मैंने एज यूजुअल बिल्कुल बेसिक से यूज़ करे थे, जिसमें मैंने यूज़ किया था नमक, धनिया पाउडर, और साथ ही में थोड़ी सी हल्दी। मसाला भुन गया था, बस उसके अंदर मैंने डाल दिए स्प्राउट्स, और साथ ही में डाल दिए थे कटे हुए इडली के पीसेस। थोड़ी देर इसको सॉटे किया, और स्प्राउट्स वाली इडली हो गई थी रेडी। आज नीर के टिफ़िन में डिफरेंट सी डिश जा रही है, आई होप उसको पसंद आएगा। फीडबैक तो नीर के स्कूल के आने के बाद ही मिलेगा। फाइनली टिफ़िन हो गया था रेडी, और नीर चल पड़ा स्कूल। बाय बाय बाय। मॉर्निंग वॉक पे निकलने से पहले थोड़े से मैंने काम निपटाने थे, क्योंकि मैंने सब्जी ऑर्डर करी थी तो वो आ गई थी। आज मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट में इडली सांभर, और उसी के लिए मैंने सब्जियां मंगवाई थी फ्रेश, और साथ ही में मंगवा लिया था कड़ी पत्ता। मेरे पास कमेंट्स में काफ़ी बारी पूछा गया है कि आप कड़ी पत्ते का पौधा क्यों नहीं लगा लेते, तो कड़ी पत्ते का पौधा तो लगा हुआ है, लेकिन वो काफ़ी स्लोली ग्रो कर रहा है, तो मैं उसमें से पत्ते काफ़ी कम तोड़ती हूँ, तो जब तक वो अच्छे से बड़ा नहीं हो जाता तो मैं बाहर से प्रेफर करती हूँ मंगवाना। थोड़े से कड़ी पत्ते धो के मैंने उसको पानी से निकाल के रख दिए, और मैं चली गई अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। आज थोड़े से ज़्यादा स्टेप्स मैं अपने कंप्लीट कर पाई थी, अराउंड 4300, और बस मॉर्निंग वॉक करके मैं पहुंची घर। इडली सांभर के साथ नारियल की चटनी तो बनानी ज़रूरी है, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि नारियल को तोड़ें, क्योंकि हमें ऑफिस भी स्टार्ट करना था, तो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट की ही चटनी बना दी। कभी टाइम मिले तो डेसिकेटेड कोकोनट की चटनी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इजीली बन जाती है और टेस्टी भी बहुत होती है। कभी कच्चा नारियल ना हो तो ये इजी रिप्लेसमेंट है, और इसकी फुल रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगी। खैर, चटनी हो गई थी रेडी, और बस अब इडली और सांभर रह गया था बनाने के लिए, और इडली मैंने बनाई थी सूजी और दही की। इडली को बनने में मुश्किल से 10 से 12 मिनट ही लगने थे, तो बस फटाफट से मैंने डाल दिया था इडली को बनने के लिए कुकर में, और साथ ही में मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था सांभर। सांभर की रेसिपी के लिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स में पहले बोला गया था कि नींबू के रस की जगह आप इसमें डालो इमली का पल्प, उससे बहुत टेस्टी सांभर बनता है। तो आज सांभर में तड़का लगाने के बाद मैंने डाल दिया था 2 से 3 चम्मच इमली का पल्प। सांभर को मैंने बनने रख दिया था, और अराउंड 2 विसल के बाद मैंने बंद कर दिया था, और साथ ही में इडली भी रेडी हो ही गई थी। इडली को निकालने के लिए मैंने स्पून का यूज़ किया था, बहुत ही इजीली निकल जाती है इडली। इडली का बैटर डालने से पहले मैंने थोड़ा सा ऑयलिंग कर दिया था इडली मेकर को, तो उससे स्टिक भी नहीं हुई थी। फाइनली इडली हो गई थी रेडी, और काफ़ी फ्लफी बनी थी, बिल्कुल बढ़िया सी। सूजी की इडली बनाने के बाद इमीडिएटली इडली मेकर के अंदर डाल देती हूँ मैं पानी, क्योंकि बिना उसके बिल्कुल सूख जाता है, और फिर साफ़ होने में प्रॉब्लम होती है। फाइनली सांभर भी हो गया था रेडी, तो बस ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, अपना ऑफिस स्टार्ट किया, और शाम को ले गई थी मैं नीर को थोड़े देर झूले झुलाने आफ्टर योगा क्लास। गिर मत जाना इतनी तेज, छोड़ो ना। टॉपिक क्या है ये? स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड स्कूल। ये बच्चा इतना ही शौक हो गया, देख के कि इसका चश्मा उड़ चुका है ऊपर।
ये एक ही लड़की है क्या? तो इसकी इसकी दो चोटी हैं, इसकी तो एक चोटी है। इस वो चलती है तो दिखती नहीं। इसके बाल ऐसे क्यों बनाए हैं? बस ये चश्मा उड़ा हुआ है क्योंकि बहुत हैरान हो चुका है। ये इसके बाल ऐसे दो बाल क्यों बनाए हैं? क्योंकि वो थोड़ा स्टाइलिश इविल यो वाला लड़का है तो ऐसे। आपके भी ऐसे हैं? ऐसा स्कूल जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म ही नहीं अलाउड है, इसमें यूनिफॉर्म क्यों नहीं बना रखी बच्चों को? नीर के साथ चिट चैट करते हुए आज का दिन हो गया था कंप्लीट और ऐसे ही रहा दिन।